अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सिकंदर अली मार फ्रॉम जकाबा सिंध। आज आप दोस्तों को सिब्बी शहर में एक सराय है, सोबत सराय, आज उसकी जो आपको हिस्ट्री भी बताता हूँ और उसके अंदर का मंजर भी जो आप दोस्तों को दिखाता हूँ। ये वो हस्ती है, बायकास्ट गोलो थे, इसके बारे में तफसील से आपको बताता हूँ, फिर आपको अंदर का नज़ारा दिखाता चाहूँ, मेरे साथ चलें, हिस्ट्री भी बताता जाता हूँ। सोबत खान काफ़ी साल कबल यहाँ के असूल रसोई वाले बंदे थे, एक नेक दिल इंसान थे, जो हमारे बलोचिस्तान में डेरा अल्लाह यार से दूसरी तरफ एक शहर है सोबतपुर, इसी के नाम से ये जो है ना शहर जुड़ा हुआ है। और वहाँ से पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें सोबत खान मस्जिद की वीडियो भी मैंने दोस्तों को शेयर की थी। ये सराय भी उसी के नाम से जो सिब्बी शहर में है। ये अल्लाह के वो नेक मोमेंट सरदार बंदे थे जो हमेशा इंसानों की भलाई के लिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ की। तो ये सराय है, उस वक्त में अंग्रेज़ों ने बनवा के दिया था, ये पूरा सराय अंग्रेज़ों ने बना के दिया, जो भी ट्रेन से मुसाफिर आते थे वो सारे मुसाफिर यहीं पे रहते थे, जिसका कोई भी किराया नहीं होता था, वो सारा जो खर्च थे वो सोबत खान गोलो साहब करते थे। सोबत खान बायकास्ट गोलो थे, एक बहादुर दिलेर शख्स जिसका मुजस्मा भी यहाँ पे बना हुआ है, उसके पास चलते हैं। ये उसके आदर के तौर एक मुजस्मा उस अजीम हस्ती सोबत खान गोलो का बनाया हुआ है, यहाँ पे उसकी याद को ताज़ा करने के लिए मुजस्मा बनाया गया है। इतने दिलेर, इतने बहादुर थे जिसकी कोई हद, जितने दिलेर बहादुर थे उतने नेक दिली इंसान थे। देखें, जो बंदा अच्छे काम करता है, जो बंदा दूसरों के काम आता है, उनके नाम कभी मरा नहीं करते। यही एक मिसाल सोबत खान की भी है, जिसके नाम से शहर भी बना हुआ है। आए दोस्तों, कभी पूरे सराय के मैं सैर करवाता हूँ। एक कदीमी सराय, इस वक्त बरसातों की वजह से इसकी हालत बिल्कुल खस्ता हो गई है। आप इन दीवारों को देखें, कहते हैं कि जो दूसरों के लिए जीते हैं वो कभी मरते नहीं, उसकी मिसाल ये सोबत खान गोलो साहब ही है। इस दुनिया में वो है तो नहीं, लेकिन उसका नाम आज भी जिंदा है। तारीख गवाह है, जो अपने लिए जीता है वो एक बार जीता है, जब मरता है हमेशा के लिए मर जाता है। जो दूसरों के लिए जीता है वो सारी जिंदगी जीता रहता है, मरने के बाद भी वो जिंदा रहता है, लोगों के दिलों में, लोगों के ख्यालों में, तारीख के औराक में ऐसी हस्तियां कभी मरा नहीं करती, जो अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए वक्फ करते हैं, जिनकी ज़िंदगी का मकसद दूसरों की भलाई का काम होता है, ऐसी हस्तियां कभी मरा नहीं करती। उसकी मिसाल आप इस सराय से ले लें, जिस अजीम हस्ती के नाम से ये सराय बना गया है, जिस अजीम हस्ती की वो ये सराय बना के दिया गया था, वो हस्ती इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन आज भी पता नहीं कितने सौ साल, 200 साल, 300 साल गुजर जाने के बावजूद भी ऐसे लग रहा है इस जगह को देखने के बाद, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि इस वक्त भी वो अजीम हस्ती मौजूद है। यही होता है कि भाई आप अपनी जिंदगी को एक मकसद दें, वो मकसद दें जिसमें अल्लाह और उसका रसूल राजी हो, अपनी जिंदगी को उन कामों में लगाएं जिससे अल्लाह और उसका नबी राजी हो। ये क्योंकि ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी अल्लाह तबरकाला के अहकाम के मुताबिक खर्च करते हैं वो कभी मरा नहीं करते। मिसाल आप खुद इस सराय से ले लें, पूरी सराय में दोस्तों को दिखाता जाता हूँ। और ये मस्जिद सोबत सराय के अंदर अल्लाह का घर, एक बेहतरीन प्यारी एक कदीमी मस्जिद
अफसोस के बरसातों की वजह से इसकी हालत जो खस्ता हो गई है, डैमेज हो गई है, लेकिन आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कमल ये मस्जिद होगी, तारीखी मस्जिद। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप दोस्तों को पसंद आई होगी। जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है, जो मनाजिर अच्छे अच्छे मेरे सामने आते हैं, मेरी कोशिश ये रहती है वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं, उन मनाजिर का दीदार भी आप दोस्तों को कराऊं। अगर मेरी वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई हो तो मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर मेरी किसी वीडियो में कोई मिस्टेक हो, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, मेरी कोशिश है, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा पेशन है, एक जज्बा है, एक शौक है, उस तहत मैं ये काम कर रहा हूँ और आप दोस्तों को ऐसे मनाजिर दिखा रहा हूँ। मैं आम जैसे दूसरे बड़े बड़े चैनल्स वाले उस तरीके की वीडियो एडिट तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो भी है अपने खुलूस से, दिल से मेहनत करके आप दोस्तों को मनाजिर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो इससे पहले आप लोगों ने कभी ना देखे हो ना सुने हो। शुक्रिया।